नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर अंबानी साहब को सेबी ने 5 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है पूरे देश के अंदर जो हमारा शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को नियंत्रित करना, इसके अंदर देखभाल करना, कोई कंपनी कोई माल प्रैक्टिस माल फंक्शन कर रही है उसके बारे में जांच करना और अपने निर्णय लेना। तो सेबी ने बैन कर दिए हैं अंबानी साहब। कौन से अंबानी साहब बैन किए हैं? क्या मुकेश अंबानी साहब को बैन किया गया है? जी नहीं, ये जो हैं ये काफी ज्यादा फिलहाल अपनी कंपनियों के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके अपने बच्चों की शादी वगैरह कर रहे हैं, इनका काम चल रहा है अच्छे। लेकिन दूसरे अंबानी साहब जो हैं, चर्चा करेंगे अनिल अंबानी साहब की। अनिल अंबानी साहब को कर दिया गया है बैन सेबी के द्वारा। अब क्यों किया गया है? इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने फंड्स का डायवर्जन किया है। क्या आखिर किया है, आज के सेशन में चलते चलते हम जान जाएंगे विस्तार पूर्वक। न्यूज आप देखते हैं जो कि काफी बड़ी सुर्खी फिलहाल बनी हुई है। सेबी इम्पोजेस 25 करोड़ पेनल्टी ऑन अनिल अंबानी। 25 करोड़ रुपए की इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। आप सोचेंगे 25 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है पेनल्टी के लिए, तो आप जब जानेंगे कि कितना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है तो आप समझेंगे कि उस घोटाले के आगे 25 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। न्यूज आप देखते हैं सेबी बैंस अनिल अंबानी, 24 अदर्स मतलब 24 और भी इनकी कंपनीज वगैरह के लोग हैं उनको भी बैन किया गया है, शेयर मार्केट से उनको दूर कर दिया गया है। जो कंपनियां हैं उनका नाम है रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर्स, इनके जो शेयर हैं मतलब इनकी कंपनियां जो अभी मार्केट के अंदर और कंपनियां जो रन कर रही हैं उनके शेयर्स के अंदर बहुत भारी गिरावट आई है, और एक व्यक्ति के चलते तमाम लाखों लोगों का जो पैसा है वो डूब चुका है और एक बहुत बड़े रिस्क के अंदर लोगों का पैसा इनकी वजह से जा चुका है। रिलायंस पावर के शेयर की अगर आप बात करें तो एकदम से धड़ाम से ये शेयर गिर जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इनके भी शेयर के अंदर गिरावट है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड जो है, यही कंपनी है जिसके अंदर सारा खेला हुआ है, इसके भी शेयर एकदम से आपको मार्केट में धड़ाम दिखाई देते हैं। असल में जो आज चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे एक बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस ग्रुप की, जिसको हम जानते हैं रिलायंस कैपिटल के नाम से। कोई समय हुआ करता था जिस समय ये जो रिलायंस कैपिटल है एक इंडेक्स कंपनी हुआ करती थी। अब ये इंडेक्स कंपनी क्या है इसको भी जानेंगे। एक बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत ही सफल कंपनी ये रिलायंस ग्रुप की हुआ करती थी, और इसी के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते आज हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं। CIL नाम की एक कंपनी जिसने रिलायंस कैपिटल को निफ्टी 50 के अंदर रिप्लेस तक कर दिया था। इनके बड़े होने से लेकर इनके गिरने की जो कहानी है आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। थोड़ा सा समझते हैं इंडेक्स कंपनी आखिर होती क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं सेंसेक्स की, शेयर बाजार के अंदर जो भी मार्केट होते हैं सेंसेक्स निकाला जाता है उनके अंदर, आप देखते हैं निफ्टी 50। तो ये सेंसेक्स आखिर है क्या? सेंसेक्स को अगर हम फुल फॉर्म में देखें तो इसको हम जानते हैं सेंसिटिव इंडेक्स के नाम से, सेंसिटिव इंडेक्स। अब ये किसका सेंसिटिव इंडेक्स होता है? तो जो टॉप 30 कंपनी जो है मार्केट के अंदर होती हैं उन टॉप 30 कंपनी के शेयर का जो प्राइस होता है वो होता है इनका सेंसिटिव इंडेक्स या फिर सेंसेक्स। शेयर बाजार के अंदर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली सबसे बेहतरीन जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उन्हीं के आकलन से अंदाजा लगाया जाता है कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था या फिर देश के अंदर मार्केट कैसा चल रहा है, इकोनॉमी किस प्रकार से चल रही है। आप देखते हैं मार्केट यदि कभी डाउन हो जाता है तो इन्हीं टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स के अंदर ही अंदाजा लगाया जाता है। इसी प्रकार से यदि निफ्टी 50 की बात करें हम, तो निफ्टी 50 में देश की जो टॉप 50 कंपनियां होती हैं इनका एवरेज निकाला जाता है, और ये जो रिलायंस कैपिटल नाम की कंपनी है ये किसी समय एक इंडेक्स कंपनी हुआ करती थी, यानी कि टॉप 30 देश की कंपनीज और टॉप 10 जो कंपनीज हैं, टॉप 50 जो कंपनीज हैं उनके अंदर इसका नाम शामिल हुआ करता था। कभी कभी ये टॉप 3 के अंदर भी कंपनी रहा करती थी। इतनी बड़ी एक कंपनी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हम ये न्यूज देख रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर जो है सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को सिक्योरिटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार, डेट और डेरिट
डेरिवेटिव से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। यानी कि शेयर बाजार के अंदर अब ये किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर की बिक्री खरीदारी नहीं कर पाएंगे। अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उनके किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मतलब जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं यानी कि शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनके उनमें से किसी भी कंपनी में ये डायरेक्टर नहीं रह सकते। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, असल में जो रिलायंस कैपिटल नाम की कंपनी है इसी के तहत एक सब्सिडरी कंपनी इसकी हुआ करती थी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, इसके प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटिटीज को भी शेयर मार्केट से बैन कर दिया गया है। इन पर अलग अलग जुर्माना लगाया गया है। वहीं रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को 6 महीने के लिए बैन किया गया है और 6 लाख रुपए का जुर्माना भी इन कंपनी के ऊपर लगाया गया है। चर्चा करते हैं थोड़ी सी रिलायंस होम फाइनेंस के बारे में। सेबी की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक जांच में पता चला है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया लेकिन दिखाया कि ये फंड लोन के तौर पर दिया गया है। कुल मिलाकर ये जो कंपनी है होम फाइनेंस, फाइनेंस यानी कि लोगों को लोन देने वाली एक कंपनी, रिलायंस की एक ऐसी कंपनी जो दूसरे लोगों को, दूसरी कंपनियों को लोन दिया करती थी, इन्होंने असल में दूसरे लोगों को लोन नहीं दिया बल्कि अपनी ही जो कंपनियां थी रिलायंस की और जो कंपनियां थी उनको लोन जो है बांट दिए और काफी ज्यादा अनियमितताओं के साथ ही लोन बांटे गए थे। अब फंड डायवर्जन की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में फंड डायवर्जन का मतलब यह होता है कि कंपनी के फंड का बिना ऑफिशियल परमिशन के दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल करना। अब ये दूसरे कार्य क्या है, आपको लग सकता है कि किसी कंपनी का, कंपनी के पास यदि कोई पैसा है तो उस पैसे को कंपनी जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी जब भी फॉर्म की जाती है तो कंपनी के जो उद्देश्य हैं, उनका जो बिजनेस है, उसके बारे में लिखित तौर पर देना होता है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जानते हैं। कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है उसके अंदर कंपनी के उद्देश्य, कंपनी के फंड जो है कहां जाएंगे, किस प्रकार से दिए जाएंगे, किस प्रकार से कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या फिर मैनेजर्स हैं उनकी परमिशन ली जाएगी, पेपर वर्क किया जाएगा, उस प्रकार से सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि कंपनी को एक अलग से आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। ये खुद में अपने आप में ही एक आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी होती है, कंपनी के मालिक से और कंपनी का कोई भी वास्ता नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जब एक किसी एक उद्देश्य के लिए यदि कंपनी बनी है, उस उद्देश्य को पैसा इस्तेमाल ना कर किसी दूसरे उद्देश्य से पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी को फंड डायवर्जन कंपनी के अंदर बोला जाता है। दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल करना कंपनी के फंडों का बिना ऑफिशियल परमिशन के, जिसका उस कंपनी से कोई जुड़ाव ना हो। अनिल अंबानी के मामले में मैनेजमेंट की मदद से उनकी अगुवाई में जो RHFL है से फंड निकालने के लिए एक ऐसी योजना बनाई गई थी जो नियम के खिलाफ थी। नियम ये कहता है कि अगर कंपनी के फंड का इस्तेमाल किसी ऐसे कार्य में किया जाता है जिसका उस कंपनी के भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता है तो उसके लिए बोर्ड से अनुमति लेनी होती है और लिखित में कंपनी के डिसीजन मेकर से आदेश जारी कराना होता है। इस मामले में इस धोखाधड़ी को लेकर कंपनी के डायरेक्टर ने ऐसा ना करने का आदेश भी जारी किया था। थोड़ा सा जानते हैं क्या कुछ रहा है बिजनेस के अंदर इनके अब तक। 2002 के अंदर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी साहब के जो पिता थे धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस की ग्रुप की स्थापना की थी, उनकी मृत्यु होती है और 2002 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल सर्विस, पावर और टेलीकॉम बिजनेस को अनिल अंबानी के द्वारा संभाला जाता है। असल में धीरू भाई अंबानी के एक्सपायर होने के बाद दोनों भाइयों के बीच में बिजनेस का बंटवारा हुआ था। ये इनके हिस्से में जो आया, अनिल अंबानी के हिस्से में फाइनेंशियल सर्विस आई, यानी कि रिलायंस फाइनेंस जो था वो इनके हिस्से में आया। रिलायंस पावर उस समय की सबसे बेहतरीन कंपनियां हुआ करती थी रिलायंस की, ये इनके हिस्से में आया और जो टेलीकॉम बिजनेस था कंपनी का ये इनके हिस्से में आया और बाकी रिलायंस पेट्रोलियम है, ऐसी चीज़ें जो हैं मुकेश अंबानी के हिस्से में आई। और साथ में एक एग्रीमेंट दोनों भाइयों के बीच होता है कि 10 साल तक एक दूसरे के बिजनेस को हम कॉपी नहीं करेंगे, यानी कि जो मुकेश अंबानी वाली कंपनी है वो टेलीकॉम सेक्टर में नहीं उतरेंगी, फाइनेंस सेक्टर में नहीं उतरेंगी और इनकी वाली जो कंपनियां थी अनिल अंबानी वाली वो
पेट्रोलियम क्षेत्र में नहीं उतरेंगी या इनके पास जो क्षेत्र थे उनके अंदर बिजनेस नहीं करेंगी, ऐसा भी 10 साल का एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ था। जिसके बाद 2007 का अब समय आता है, तो 2007 में अनिल अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस कैपिटल ने HDFC को पीछे छोड़ते हुए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का बाजार पूंजीकरण हासिल किया। HDFC एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, इसको भी इनके द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। अंबानी ने तब पूरे विश्वास के साथ कहा था कि रिलायंस कैपिटल भारत के शीर्ष 3 वित्तीय संस्थानों में से एक है। रिलायंस कैपिटल कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी किसी समय, हम ये अभी जान रहे हैं। समय आता है 2008 का। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने वित्तीय सेवा कंपनियों के लिए नकदी की गंभीर समस्या पैदा कर दी। ये दौर था पूरी तरह से जिसे मार्केट के अंदर हम बोलते हैं डिफ्लेशन के नाम से। मार्केट के अंदर डिफ्लेशन आया, वित्तीय संकट आया, आर्थिक संकट आया, लेकिन उस समय भी रिलायंस के पास जो पैसा हुआ करता था, इन्होंने बिल्कुल भी इस चीज को महसूस नहीं किया कि मार्केट में किसी प्रकार की कोई समस्या है। इन चुनौतियों के बावजूद अंबानी के नेतृत्व में ADAG ग्रुप ने अपना आक्रामक विस्तार जारी रखा। इन्होंने जो है एक्सपेंशन के ऊपर फोकस किया। जहां पूरी दुनिया अपने पैसे को संभाले हुई थी, पैसा खर्च करने से बच रहे थे, लेकिन इन्होंने जो है अपनी बिजनेस को एक्सपेंड किया, तमाम कंपनियां खरीद डाली उस समय पर जब मार्केट के अंदर गंभीर खतरा चल रहा था। इस दौरान ग्रुप में काफी निवेश आया। उसने स्टीवन स्लीबर्ग के ड्रीमवर्क के साथ जॉइंट वेंचर बनाया। इस प्रकार से तमाम सारी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर उसी समय पर बनाया गया था जब पूरी दुनिया के अंदर वित्तीय संकट चल रहा था। इसके बाद के कई वर्षों में ग्रुप ने कई सेक्टर्स में कदम रखा। इनमें रिलायंस पावर जैसी परियोजनाएं शामिल थी। साथ ही ग्रुप ने रक्षा और मीडिया में एंट्री मारी, मतलब डिफेंस के सेक्टर में गए और मीडिया के सेक्टर में भी ये आए। इससे ग्रुप पर वित्तीय दबाव पड़ने लगा। इन सेक्टर्स में ग्रुप की एंट्री गलत समय पर हुई, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। रिलायंस कम्युनिकेशंस बदलते समय को भांप नहीं पाई और बिखरती हुई चली गई। जो टेलीकॉम की इंडस्ट्री थी वो भी बदलाव के साथ नहीं चल पाई और वो कंपनी बिखरने शुरू हुई। अब समय आता है 2018 का। 2018 में रिलायंस कैपिटल की वित्तीय कठिनाई उस समय उजागर हुई जब रेटिंग एजेंसी केयर ने कंपनी को डाउनग्रेड करके डिफॉल्ट की कैटेगरी में डाल दिया। एक रेटिंग एजेंसी है जिसको हम जानते हैं केयर नाम से, CARE, केयर कंपनी, जो कि कंपनियों की रेटिंग जारी करती है, उस केयर के द्वारा रिलायंस कैपिटल को डी कैटेगरी के अंदर शामिल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, जो PwC नाम की एक ऑडिटर है, प्राइवेट ऑडिटर कंपनी है, जो कि फाइनेंस वगैरह का ऑडिट रखती है कंपनी का, जांच करती है इनके लेन देन की, जो ऑडिटर PwC एक वैश्विक स्तर की जानी मानी कंपनी है, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2019 की जो बैलेंस शीट हुआ करती थी, जो लेखा जोखा था रिलायंस का, उस लेखे जोखे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अब यही समय था 2018 के अंदर, या कहे कि यही समय था दुनिया को भांपने के लिए, कि जब कोई ऑडिटर फर्म इनके डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करने से मना कर रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। आप देखते हैं ये न्यूज, केयर कट्स रिलायंस इंफ्रा क्रेडिट रेटिंग टू डी। केयर जो संस्था है कंपनियों को रेटिंग देने वाली, इन्होंने इस कंपनी की जो रिलायंस कैपिटल है इसको BB रेटिंग से D रेटिंग के अंदर रख दिया। इसके बाद वर्ष आता है 2019। 2019 में अनिल अंबानी की वित्तीय परेशानियां इस हद तक बढ़ गईं कि उन्होंने ब्रिटेन की एक अदालत के समक्ष खुद को दिवालिया घोषित करा दिया। दिवालिया घोषित कराने की क्या कहानी है, तो ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है थोड़ा सा चाइना के साथ। चाइना के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है तो देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार तीन चीनी बैंक जो हैं $700 मिलियन यानी कि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम वसूली के लिए अनिल अंबानी की कंपनी को ब्रिटेन के हाई कोर्ट में ले गए थे। इस रकम में कर्ज पर लगा ब्याज भी शामिल था। मतलब चीनी कंपनियों से, चीनी फाइनेंस कंपनियों से अनिल अंबानी के द्वारा लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया गया था। अब जब ब्रिटेन के हाई कोर्ट के अंदर जब इनको चीनी फाइनेंस कंपनियों के द्वारा ले जाया गया, तो इनके द्वारा इनकार कर दिया गया कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है जिससे कि मैं इनका लोन चुका सकूं, जिसके चलते ब्रिटेन के द्वारा इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालिया घोषित होने के बाद आप देखते हैं फिर तुरंत दौर शुरू होता है कोरोना वाला। कोरोना के अंदर इनके संकट और ज्यादा बढ़ता चला गया। वर्ष आता है 2021। 2021 में रिलायंस कैपिटल की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि इसकी सहायक कंपनियां रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस डिफॉल्ट हो गई थी। इन कंपनियों ने जिन्हें लोन दिए थे वो खुद ही डूब गई थी। नवंबर 2021 में RBI ने हस्तक्षेप करते हुए
रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया और कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में भेज दिया। कुल मिलाकर जो आरबीआई है उसने भी इनको दिवालिया करने की पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी। आरबीआई के ढांचे के तहत क्या समाधान हुआ था? तो जो समाधान हुआ था उसके तहत कभी जो शेयर रिलायंस कैपिटल का 60 रुपए का हुआ करता था वो शेयर 75 पैसे का हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि अगर आपकी जेब में अभी 60 रुपए हैं और वो देखते ही देखते उनकी वैल्यू 75 पैसा हो जाती है तो इतना भारी नुकसान निवेशकों को किसी समय पर उस कंपनी से उठाना पड़ा था जो भारत की टॉप मोस्ट कंपनियों के अंदर शामिल हुआ करती थी। थोड़ा सा जानते हैं कि अब इनके ऊपर जुर्माना क्या लगा है, कौन कौन सी अनियमितताएं इनके द्वारा की गई हैं। तो इनके ऊपर जो आरोप है वो है रिलायंस हाउस फाइनेंस लिमिटेड नाम की है, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड नाम की जो कंपनी है आरएचएफएल, उसके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अनस्क्रूटनाइज्ड लोन जो है वो पार्टीज को दिए हैं जो कि इनकी कंपनी से ही रिलेटेड पार्टियां हैं। इसके चलते 25 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया है, 5 साल के लिए बैन किया गया है। जो ऑर्डर है सेबी का उसके अंदर बताया गया है मास्टरमाइंड बिहाइंड द फ्रॉडलेंट स्कीम, मतलब अंबानी जो है अनिल अनिल अंबानी, इनको फ्रॉडलेंट स्कीम का मास्टरमाइंड बताया गया है। कंपनी ने 2018-2019 में जो लोन दिए हैं उनको जो है गलत तरीके से दिया गया है, ऐसी जो है जानकारी निकल कर आई है। लोन जो जिनके ऊपर बात चल रही है इन्वेस्टिगेशन के अंडर जो लोन है वो है 8,470 करोड़, मतलब 8,470 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की गई है और जुर्माना लगा है 25 करोड़ रुपए का। अब ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को पता हो कि अगर 8,470 करोड़ रुपए की हेरा फेरी करने के बाद सिर्फ 25 करोड़ वापस देने हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम जरूर कर सकता है। हालांकि आगे बात करते हैं तो जो माल प्रैक्टिस हुई है, जो इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है, उसका नेचर क्या है? तो सेबी के इन्वेस्टिगेशन में जानकारी निकल कर आई है कि 62 लोन जो हैं जिनकी वर्थ 5,552 करोड़ रुपए थी उनको जो है तुरंत जिस दिन लोन के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना कोई काम किए, बिना सही जगह पर सिग्नेचर कराए हुए अथॉरिटीज के, वो लोन उसी दिन कंपनियों को दे दिए गए जिस दिन लोन की एप्लीकेशन आई थी। आप यदि आज बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक के अंदर जाकर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, तमाम तरह की जांच जो है वो बैंक आपके बारे में करेगा। और जो लोन है आप यदि 1 लाख रुपए का लोन मांगना चाहते हैं तो शायद बैंक आपको उससे कम अमाउंट का ही लोन देना पसंद करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब रिलायंस की जो ये जो आरएचएफएल नाम की रिलायंस की कंपनी है इसके ऊपर रिलायंस की अन्य कंपनियों के द्वारा जिस दिन एप्लीकेशन दी गई, जितने अमाउंट का लोन मांगा गया इन्होंने उसी दिन लोन को प्रोसेस करके उनके खाते में अमाउंट पहुंचा दिया, और यही बात पूरी तरह से निकल कर आई है जिसके चलते इनके ऊपर बैन लगा है। उम्मीद है साथियों पूरा सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, पसंद आया हो। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।